नमस्कार दोस्तों, वीपी एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं वीपी सिंह। आज हम दरअसल चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में। ट्रिक दरअसल क्यूब की एक ट्रिक है। क्यूब किस तरीके से हम निकालते हैं, आज हम चर्चा करेंगे एक से लेकर के 1 से 99 तक की संख्याओं का क्यूब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का क्यूब। लेकिन इस ट्रिक को हम चार भागों में हमने डिवाइड किया है, चार भागों में। तो देखते हैं, 4 स्टेप यानी 4 स्टेप हैं इसके, 4 चरण हैं। तो देखते हैं 4 स्टेप हैं इसके। और फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, हमारा जो पहला जो हमारा स्टेप है, उसमें जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। 1 से शुरू होने का मतलब जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18 और 19। पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पर आएंगे, उसके बाद फिर हम थर्ड स्टेप पर आएंगे और उसके बाद हम अंत में 4 स्टेप पर आएंगे। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप के बारे में देख ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे हम अगर 12 का हम क्यूब निकालते हैं तो 2 संख्याओं का जो क्यूब आता है वो 4 स्टेप में लिखा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको देखना है, जैसे हमें 12 का क्यूब निकालना है तो 1 है, ये 2 है, तो यहां पर आपको 1 लिखना है, यहां पर आपको 2 लिखना है, ठीक है, या आपको 1 लिखना है या आपको 2 लिखना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बताएं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपको देखना है, इसी संख्या की बात कर रहे हैं, पहले देखा आपने 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर देखना 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 का क्यूब। अब ये पहला वाला और अंतिम वाले से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम बातचीत करते हैं, ये जो बीच वाले हैं, ये 2 हैं और ये 4 हैं, ये जो है इनका आप कर लेंगे डबल। जैसे 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 8, बस इनको आप यहां पर जोड़ लेंगे, ये 8 रहेगा, 8 और 4 12 के 2 1 कैरी, तो 1 और 2 3 3 और 4 7 और यहां पर आ जाए 1, जी हाँ 1728 इसका आ गया। और देख लेते हैं हम, जैसे अब हम बातचीत कर रहे हैं 13 की बातचीत कर रहे हैं 13, तो 13 का अगर हम देखते हैं क्यूब, 13 का क्यूब देख लेते हैं, तो उसी तरीके से हम 4 स्टेप बना ले रहे हैं। देखिए 13 का, तो ये 13 है, तो 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, जैसे हमने 12 में लिखा था 1 और 2, उसी प्रकार से हम यहां पर लिख लेंगे 1 और 3 लिख लेंगे। अब वही प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है कि इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब अगले में हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो पहले से और लास्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, और इनको हमें डबल कर देना है, जैसे इसका डबल कर देना, 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, बस इनको हमें जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ेंगे ये कितने हो जाएंगे यहां पर, 7, 2 ये हमारी यहां पर क्या है, हासिल है, 2 इधर आ जाएगा, तो ये 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 और 18 कितने हो गए, 29, 29 के यहां पर आ जाएंगे 9, फिर हासिल 2, कैरी ये हो जाएंगे इधर, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 6 कितने हो गए, 11 का 1 हासिल, तो 1 और 1 2, इस तरीके से आ जाएगा 2197। तो इस तरीके से आप और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दो दो ही एग्जांपल हम आपको बताते चलेंगे। अब देखते हैं आगे अगले चरण पर, कि आगे सेकंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। बे संख्याएं जो 1 पर समाप्त होती हैं, बे संख्याएं जो 1 पर समाप्त होती हैं, उन संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए 1 पर समाप्त होने का मतलब है, जैसे ये 21 है, 31 है, 41 है, 51,
61, 71, 81, 91, इन संख्याओं की बारे में देखते हैं। जैसे हम 21 का अगर हम निकालें, 21 के अगर क्यूब की बातचीत करें तो वही बात है, सेम स्टेप है, ये चार लाइन खींच लेंगे हम और ये दो और एक है, उसमें हम करते थे इधर से, लेकिन इसमें हम कर रहे हैं थोड़ा इधर से। ये एक है, इधर एक था, यहां लिख लिया, ये दो है तो हमने यहां लिख लिया। अब हम वही बात, फिर हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, दो का स्क्वायर कितना हुआ चार, फिर दो का हम क्यूब लिखेंगे तो दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ। पहले से और लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, आप देखते हैं इनका हमें दुगना करना है, दो का कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, चार का कितना हो जाएगा आठ, और हमें इनको जोड़ लेना है, एक दो और चार छह, और चार और आठ बारह के दो, हाशिल लगा एक तो एक और आठ हो गए नौ। तो इस तरीके से ये हो गया 9261। अब हम आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, 31 का अब हम देख रहे हैं, 31 का देखते हैं। देखिए 31 का, 31 का क्यूब वही हम चार बना लेंगे, ये चार स्टेप कर देंगे, चार स्टेप, और देखिए ये एक है और इधर हम तीन, अब तीन का हम स्क्वायर कर देंगे, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ, तीन का क्यूब कर देंगे, तीन का क्यूब कितना हो जाएगा सत्ताईस। पहले से लास्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका दुगना कर देंगे छह, इसका दुगना कर देंगे नौ का दुगना, अठारह हो जाएगा। अब हम कर दे रहे हैं एक, तीन और छह कितने हो गए नौ, तीन और छह नौ हो गए, और ये नौ और अठारह सत्ताईस, सत्ताईस के साथ हाशिल लगे दो, सत्ताईस और दो उन्तीस, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 29,791। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड चरण की तरफ देखते हैं। तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे चरण में देखते हैं वे संख्याएं जो समान होती हैं, जो समान होती हैं, समान होती हैं, समान यानी समान होती है, इसका मतलब जिनके अंक समान होते हैं। जैसे हम देखें तो 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है और 66 है, 77 है और ये 88 है और ये 99 है, इनके बारे में हम बातचीत करते हैं। कोई भी ले लें, जैसे उदाहरण के लिए हम 22 का भी हम देख ले रहे हैं। 22 का अगर हम देखेंगे तो इसमें से हम देखना है, देखिए वही चार स्टेप आपको ये बनाने हैं, चार स्टेप, और यहां पर हम देखेंगे, देखिए ये जैसे ये दो है तो दो का क्यूब कितना होगा, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, दो का क्यूब कितना होगा, दो का क्यूब हो जाएगा आठ, तो यहां पर हमने आठ लिख दिया, यहां पर भी आठ और यहां पर भी आठ और यहां पर भी आठ हम लिख देंगे। पहले वाले से लास्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इनका हम डबल कर देंगे, ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, बस इनको हम ऐड कर ले रहे हैं, ये आठ हो जाएगा और आठ और 16 हो जाएंगे 24 के चार, हाशिल लगे दो, तो ये आठ और 16 24, 24 और दो 26 के छह, हाशिल लगे दो, तो आठ और दो 10, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगले एग्जांपल की बातचीत कर लेते हैं, जैसे हम 33 के बारे में अगर बातचीत करें, 33 तो देखिए 33 का जो क्यूब होगा वो देख लेते हैं, वही स्टेप है, देखो एक दो तीन चार, तो तीन का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो हमें सभी जगह 27 लिख लेने हैं, 27 लिख लेंगे, पहले से और लास्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं, इसका दुगना कर देंगे, इसका दुगना 54 हो जाएगा, इसका भी दुगना 54 हो जाएगा। अब हमें इनको हमें ऐड कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 27 के यहाँ पर 7 हो जाएंगे, दो हासिल हो जाएंगे, तो 27 और 54 कितने हो गए 81, 81 और 2 हो गए 81 और 2 83, हासिल लगे 8, तो 54 और 27 81, 81 और 8 हो गए 89 के 9, हासिल लगे 8, तो 27 और 8 हो गए 35, तो इस प्रकार से यहां पर ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनका और भी आगे अभ्यास कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथा स्टेप और लास्ट स्टेप की तरफ, तो उसके बारे में हम देखते हैं आगे। अब चलते हैं हम चौथे स्टेप की तरफ और देखते हैं ये चौथा स्टेप और ये अंतिम स्टेप भी है। इसमें दरअसल अलग अलग उनके संख्याओं के अंक होंगे, असमान अंक होंगे, असमान अंक होंगे, उनके जो अंक कैसे होंगे असमान अंक होंगे। जैसे हम देखते हैं, जैसे बातचीत करें हम, जैसे 23 है, या हम बातचीत करें जैसे 24 है,
और जैसे 32 है, 48 है, 86 है, इस तरीके से 98 है, ये कुछ है। तो इनमें से हम देख लेते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं 24 के बारे में बातचीत करते हैं, अगर हम 24 का क्यूब निकालते हैं, वही स्टेप रहेगा, ये चार हम इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है थोड़ा सा, पहले हमें यहां पर 2 का हमें क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है 4 का क्यूब, यानी पहली वाली संख्या का निकालना इधर लिख दिया, दूसरी वाली संख्या का हम निकालेंगे यहां लिख देंगे, 4 का यानी 4 चक 16 और 16 चक 64, 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। दोबारा से देख लें, पहले हम 2 का निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा क्यूब, फिर 4 का निकालेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, थोड़ा सा हटके है, जैसे ये यहां पर 2 है तो हमें 2 का स्क्वायर आपको निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, और फिर इस वाले का हमें गुणा कर देना है, गुणा 4 कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 चक 16, तो ये हो जाएगा यहां पर 16। और इसी प्रकार से हमें यहां लिखना है, तो इस वाले का हम कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, यानी गुणा 2, 4 चक 16 और 16 दूनी 32, इस प्रकार से हम यहां लिख देंगे, वही स्टेप। और बस अगली बार इनका दुगना करना है, यहां हो जाएगा 64 और यहां हो जाएगा 32, और सेम प्रोसेस है, हम इसे जोड़ लेंगे, तो ये 64 है तो 64 कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और यहां पर यहां से लागे 6, तो 32 और 64 कितने हुए, 96, 96 और 6 कितने हुए, 102, 102 के 2 हाशिल लागे 10, तो 32 और ये 16 38 48 48 और 10, 58 के 8 हाशिल लागे 5, और 8 5 13, जी हाँ इस तरीके से हो जाएगा 13,824। एक और देखते हैं, अगला और देखते हैं, 32 के बारे में अगर हम बातचीत कर लेते हैं, 32 के क्यूब के बारे में, तो यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, तो पहले हम इसका देखेंगे क्यूब, इसका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब वही ट्रिक जो वहां पर हमने जो पद्धति अपनाई थी सेम वो अपनाएंगे, जैसे ये 3 है तो पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे और गुणा इसका हम गुणा कर देंगे, गुणा 2, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, यहां पर 18 हो जाएंगे। और यहां की बातचीत करें तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और गुणा कर देंगे यहां पर 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, इनको हम डबल कर देंगे, यहां 24 आ जाएगा, इसको 18 दूनी 36, इसको भी कर देंगे और इनको जोड़ लेंगे, ये 8 हो जाएंगे, और ये 24 और 12 हो गए 36, 36 के ये 6 आ जाएंगे, हासिल लगे 3, 36 और 18 54, 54 और 3 हो गए 57 के 7 हो गए, हासिल लगे 5, 27 और 5 कितने हो गए यहां पर 32, इस प्रकार से ये हो जाएगा 32,768। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण हमने ये आपको ट्रिक बताई है क्यूब की, और इसी तरीके से आगे भी बताते रहेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आगे मिलेंगे किसी नई वीडियो।